न्यूज धमाका लाइव, यहाँ सिर्फ सच ही दिखेगा। नमस्कार, न्यूज धमाका लाइव में सभी का स्वागत है। खबर जमशेदपुर। जमशेदपुर के उलीडी में एक नया धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें राहुल रंजन नामक युवक ने झारखंड राज्य के अलग अलग हिस्सों से कुल 11 गाड़ी मालिकों के साथ धोखाधड़ी की है। इसमें कुल 8 गाड़ियां हजारीबाग की है, जबकि एक रांची, एक चतरा और एक जमशेदपुर की गाड़ी है। इन सभी कार मालिकों ने कार को एग्रीमेंट में राहुल रंजन नामक युवक को, जो कि जमशेदपुर के मून सिटी का रहने वाला है, उससे यह बोल कर दिया था कि जमशेदपुर में उसकी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे टाटा स्टील, TRF, लफार्ज कंपनी में उसकी गाड़ियों का टेंडर चलता है और वे इन गाड़ियों को कंपनी में भाड़े में लगा देगा। जिसके बाद कार मालिकों ने विश्वास के साथ अपनी गाड़ी को एग्रीमेंट करके राहुल को जनवरी 2023 को दी थी। आज 5 महीने बीत जाने के बाद उन गाड़ी मालिकों को ना गाड़ी का 1 रुपया भाड़ा मिला और ना ही उनकी गाड़ी मिली। अब तो कार मालिक को यह भी डर सता रहा है कि कहीं उनकी गाड़ी की से किसी घटना को अंजाम ना दे दिया गया हो। इसी को लेकर सभी कार मालिक अपनी गाड़ी की खोजबीन करने जमशेदपुर आए थे और गाड़ी और राहुल नामक युवक का पता नहीं चल पाने पर उन्होंने ओलीडी थाने में मामला को दर्ज कराया। बोले ठीक है आइए, लेकिन अभी हम नहीं हैं, हम शाम तक लौटेंगे, हम कहीं बाहर चले गए हैं। तो बोले ठीक है, आपका वेट करते हैं हम लोग। तो शाम को जब हम लोग आए यहाँ पे, तो फिर उनका मोबाइल जो स्विच ऑफ हो गया, वो आज तक फिर दोबारा ऑन नहीं हुआ, ना बात हो पा रहा है। व्हाट्सअप हम लोग कर रहे हैं, वो सीन कर रहे हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन आज अभी तक उनका ना मोबाइल से बात हो पा रहा है और ना किसी से कुछ हो पा रहा है। क्या नाम है उस का जिसको दिए गाड़ी? राहुल रंजन नाम है। हम हजारीबाग देकुली के रहने वाले हैं। हमारा गाड़ी जो था सो इचाक में धीरेंद्र सिंह लगवा दिए थे। तो धीरेंद्र सिंह जब लगवा दिए गाड़ी को, तो बढ़िया मेरा बहुत अच्छा चल रहा है गाड़ी रांची के अंदर में। तो कुछ दिन के बाद हमको अप्रैल महीना में ये धीरेंद्र सिंह हमको बताएं कि नहीं सो अगर कोई दोस्त किन्हीं को, अगर गाँव घर में किन्हीं को अगर गाड़ी लगाना होगा तो आप बताइएगा, तो हम आपको लगवा देंगे और वहाँ पर बढ़िया खासा पैसा भी मिल रहा है और आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। तो हम बोले ठीक है, विश्वास हमको इसलिए था क्योंकि मेरा गाड़ी ये सेफ्टी से लगा दिया और आज भी सुरक्षित है गाड़ी, मैं इनको कोई दुश्वार नहीं लगा रहा हूँ। जब मैंने गाड़ी अपने गांव घर से मैंने 3-4 मैंने 5 गाड़ी मैंने दिया, 5 गाड़ी मैंने, क्या गाड़ी थी? एक स्कॉर्पियो था, एक डिजायर था, एक रेलंट था, रेनॉल्ट और एक क्या नाम, पंच गाड़ी है ना, और एक स्कॉर्पियो था। ये 5 गाड़ी हमने दिया और 5ों गाड़ी देने के बाद क्या हुआ कि ये जिससे हम देने आया था, मैं सभी लोगों से ये बोला था कि भाई जिसको भी गाड़ी देना है साथ में जा कर के देना पड़ेगा और वहाँ आप लोग को अगर समझ में आता है तो दीजिएगा गाड़ी और नहीं समझ में आता है तो गाड़ी नहीं दीजिएगा। तो सभी लोग आए वहाँ पर, आए और बैठे, सब समझे बूझे और अपना अग्रीमेंट पर भी साइन किए और यहाँ से 18,000 रुपया एडवांस लेकर के यहाँ से गए। 18,000 में उन जो पार्टी को, जो राहुल रंजन को मैंने दिया हूँ, उन्होंने क्या किया कि यहाँ से बहुत गाड़ी में सेफ्टी, मतलब कि बहुत से जो अफसर है TRF में चलेगा। हम लोग पूछे कि कहाँ कहाँ गाड़ी चलेगा, बोला TRF में चलेगा, लफाज में चलेगा और टाटा में चलेगा। तो हम बोले ठीक है, बोला नहीं अफसर जब चलेगा तो इसमें बहुत सामान आपको लगा के देना पड़ेगा, आपको GPS लगा देना पड़ेगा और टोल लगाना पड़ेगा, टॉर्च लगाना पड़ेगा, छाता लगाना पड़ेगा, बहुत वगैरह वगैरह सामान उन लोग बताए। हम लोग तो लगा के लाए, बोला कि उसके लिए छोटा गाड़ी के लिए 6,000 रुपया कटेगा और बड़े गाड़ी के लिए कटेगा 7,000 रुपया, जैसे स्कॉर्पियो वगैरह सारे चीज़ उसको माइनस करके 18,000 रुपये माइनस करके वो पैसा दे दिया और उन लोग जिसको जिसका गाड़ी था वो पैसा लिए अपना और हम लोग फिर रात हो गया था यहाँ से, रात भर रहे और फिर सुबह हम लोग यहाँ से निष्कासित हो गए। लेकिन राहुल रंजन क्या बोला था कि जब भी आप लोग को गाड़ी देखना होगा तो आप लोग हमको बताइएगा और संडे को दिन हम फ्री रहते हैं, संडे को दिन हम वीडियो कॉलिंग में करके दिखाएंगे। तो करीब 15-20 दिन हो गया था तो हमको मालूम नहीं था, अचानक से 3-4 व्यक्ति, मतलब मनोहर प्रसाद कुशवाहा, वीरेंद्र कुशवाहा और जी राजेश सिंह, इन लोग मिल करके और एक दिलीप कुमार, इन लोग मिल करके यहाँ पर टाटा जमशेदपुर में आए और उसके बाद उसको कॉल किए राहुल रंजन को। राहुल रंजन ने क्या बोला कि तुम लोग कैसे अपने मर्जी से आ गए हो, तो गाड़ी तो अभी तो है नहीं कि मैं तो दिखा नहीं सकता हूँ। बोला हम लोग उतना दूर से जब गाड़ी आए हैं देखने के लिए तो दिखाना पड़ेगा। तो जब वो मना करने लगा तो राहुल रंजन हमको टेलीफोन किया, लेकिन राहुल रंजन जब टेलीफोन करने लगा तो हमको भी बोला राहुल रंजन कि आप कैसे कैसे लोगों को गाड़ी दिया दिलवाए हैं कि सो मतलब कि बार बार हमको तंग करते रहते हैं। हम बोले भाई जब आया है गाड़ी देखने के लिए उतना दिन से तो दिखा दीजिए। बोला आज गाड़ी हम नहीं दिखाएंगे तो हम अब कल दिखाएंगे।
तो फिर इन लोग से हम कॉल किए कि भाई आज तो बिजी है, कहीं गाड़ी गया हुआ है, तो उन लोग कल दिखाएंगे। तो हम फिर दिन भर कॉल नहीं किए, इन लोग रात भर यहीं पर रुका। संडे जब कॉल करने लगे हम तो हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, फिर व्हाट्सएप में भी रिप्लाई देने लगे। अच्छा, राहुल रंजन कौन है? राहुल रंजन ये मून सिटी प्लाजा में वो रहता है। और मूल रूप से कहाँ का रहने वाला? आधार कार्ड वगैरह? आधार कार्ड में तो बेंगलोर का था और पैन कार्ड भी दिया था। एजेंसी का मालिक था वो? एजेंसी का मालिक नाम थी एजेंसी की? एजेंसी का था उत्तम ट्रेवल्स। उत्तम ट्रेवल्स, हाँ। लेकिन वो जिस मकान में रहता था उस मकान का हमको बोला था कि ये मेरा मकान है, और मेरा मकान नहीं, मेरा चचा का है। मेरा चचा जो है से सीबीआई में है, और सीबीआई में रहा, और वो मतलब विदेश में है, और ये नहीं बताया था कि हम दूसरे भाड़े में रहते हैं। जब यहाँ पर हम लोग, जब ये कांड हुआ, जब हम लोग चार दिन से यहाँ दौड़ रहे, जब पता किए तो अमित कुमार पाठक जी का मकान है वो, और वो 25,000 रुपये के रेंट में वो रखे हुए थे। जब हम लोग वहाँ से छानबीन करके, जब कहीं कुछ नहीं हुआ, अकेले रह रहे थे राहुल रंजन? राहुल रंजन के साथ में एक लड़की मैंने देखा, और साथ में दो लड़के भी देखा था मैंने, जिस दिन हम लोग गाड़ी देने के लिए आया था। और गाड़ी देकर, गाड़ी कितनी तारीख को दिए थे? हम लोग 11 अप्रैल को दिए थे। 11 अप्रैल के बाद हम लोग 29 अप्रैल को यहाँ पर मतलब आए, और 29 अप्रैल से उसका कोई टेलीफोन नहीं हो रहा है। 29 अप्रैल मतलब के बात हुआ, 30 अप्रैल से कोई बात नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोग थाना में आए, थाना में सारे डिटेल बताए। थाना में डिटेल बताने के बाद उन लोग सब वेरीफाई क्या किए नहीं किए हमको कोई पता नहीं है। उसके बाद आज हम लोग थाना में एफआईआर दर्ज किए हुए हैं, मतलब केस किए हुए हैं। केस के लिए सारी गाड़ियां कहां की है? सारे गाड़ी हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का है। कितनी गाड़ी है कुल? टोटल है 11 गाड़ी। 11 गाड़ी टोटल? 11 गाड़ी मतलब 10 गाड़ी है हजारीबाग का, और एक है यहीं का है टाटा का ही। उसमें कितने, कौन कौन सी कंपनी की गाड़ी है? कुछ मतलब मारुति का है, कुछ टाटा का है, और कुछ आपको महिंद्रा का। इस एजेंसी के बारे में सूचना कहाँ से मिली? हाँ, सूचना हमें सबसे पहले, जैसे हमको जब ये रांची में लगाए धीरेंद्र सिंह, मेरा गाड़ी लगाए, तो धीरेंद्र सिंह हमको बताएं कि अगर किन्हीं व्यक्ति को अगर जरूरत होगा तो आप टाटा में है, टाटा में लग रहा है, तो हम आपको कॉन्टैक्ट देंगे। आप टाटा में ही हमको जब भी गाड़ी देने आए हैं तो कॉन्टैक्ट रहते, मैंने बात होते रहा, और हमको सारे कॉन्टैक्ट हमको धीरेंद्र सिंह के द्वारा से ही हुआ। अब धीरेंद्र सिंह जानेंगे कि कैसे इनका कॉन्टैक्ट हुआ या नहीं हुआ, तो यही बताएंगे हम। इनके जरिए से मैंने 5 गाड़ी मैंने अपने मन से दिया हूँ, बाकी जो 11 गाड़ी दिया है वो भी इन्हीं के मन है, मैंने 5 गाड़ी और भी है तो इन्हीं के जरिए से आया है, लेकिन हमारे जरिए से 5 गाड़ी आया है। अभी कुछ लोकेशन मिल पा रहा है राहुल का? राहुल का लोकेशन जब मोबाइल में हमारा बच्चा जब सर्च किया है तो बंगाल का सर्च उसका हो रहा है, लोकेशन बता रहा है, और बंगाल का, और व्हाट्सएप कॉलिन में उसका हो जा रहा है। जो भी मैंने लिख के भी दे रहा हूँ तो वो रिसीव कर रहा है, लेकिन क्या है ब्लू कलर नहीं हो रहा है, क्योंकि वो सेटिंग में कुछ कर रखा है जिसके चलते नहीं हो रहा है, लेकिन वो बंगाल में है, अभी बात नहीं हो पा रहा है। लेकिन रहने वाला पता चला है कि जब मैं अमित कुमार पाठक जी से बात किया, बोला नहीं वो बिहार का रहने वाला है, तो मैंने यहाँ भी बात किया तो बोला कि जैसे बिहार का रहने वाला है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं पूरा हुआ है, तो यहाँ जब जांच पड़ताल होगा तभी पता चलेगा, हम लोग को कोई पता नहीं। अभी क्या आश्वासन मिला शिकायत की आप लोग थाने? आप लोग को 100% मैं विश्वास देता हूँ कि मैं ढूंढने का कोशिश करूँगा। थाना प्रभारी? हाँ, थाना प्रभारी जी ने बताया है कि 100% मैं विश्वास देता हूँ कि मैं पक्का ढूंढूंगा गाड़ी को, कहाँ कहीं भी होगा मैं ढूंढ करके निकालूंगा, और बाकी जो भी चीज़ बताएंगे धीरेंद्र सिंह को कैसे मालूम हुआ नहीं हुआ इन्हीं के जरिए से मालूम। धीरेंद्र जी आप बताइए।